जनता समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 2 सितंबर को जिला प्रशासन ने पुलिस और नगर निगम के सहयोग से कार्रवाई कर गौरैया घाट में करीब 10,500 वर्ग फुट शासकीय भूमि को स्ट्रीट शीटर अब्दुल रज्जाक के अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया। अब्दुल रज्जाक द्वारा इस भूमि पर टीन शेड डालकर डेयरी बना ली गई थी। माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई इस भूमि की कीमत करीब 2,30,00,000 रुपये बताई जा रही है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा के निर्देश पर यह कार्रवाई अपर कलेक्टर नमः शिवाय अर्जरिया के नेतृत्व में की गई। तहसीलदार रांझी श्याम नंदन चंदेले के अनुसार ग्राम गौरैया घाट से शासकीय खसरा नंबर 99/2 की लगभग 10,500 वर्ग फुट पर माफिया अब्दुल रज्जाक द्वारा टीन शेड से डेयरी बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया था। उन्होंने बताया अब्दुल रज्जाक के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि की कीमत 2,30,00,000 रुपए है। कार्रवाई के दौरान SDM रांझी ऋषभ जैन, अतिरिक्त तहसीलदार रांझी सुरेश सोनी, DSP ग्रामीण अपूर्वा किलेदार, बरेला थाना प्रभारी जितेंद्र यादव, बरगी थाना प्रभारी रितेश पांडे, चौकी प्रभारी गौर टेकचंद शर्मा तथा पुलिस बल एवं नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी सागर बोरकर की उपस्थिति में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।